सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर लव स्टोरी एपिसोड 29। तो भाई लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने पता नहीं क्या ही कर दिया है यार। मतलब आप लोगों ने इतना गलत समझ लिया हमें। पहले तो देखो, मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ आज की लव स्टोरी शुरू करने से पहले, कि आज हम लोग आपको लव स्टोरी सुना रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ठीक है। ये चीज़ हम आज से 5 साल पहले भी कर सकते थे, जब हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। बट हमने उस टाइम पे नहीं किया, क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं था कि हमें किसी को गलत बताना है, या फिर वो गलत हैं, या फिर यशु की मम्मी गलत है, मेरी मम्मी गलत है, मेरे घर वाले गलत हैं, वो चीज़ हमें नहीं दिखानी थी। आज के टाइम पे लव स्टोरी सुनाने का मतलब ये था, और ये हम दोनों ने बैठ के ना बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशन की थी इसके ऊपर, कि ये चीज़ लोगों को बतानी है कि नहीं बतानी। क्योंकि जब लोगों के DMs आते हैं ना कि बताओ आप कैसे, और जब लोगों की ये चीज़ आती है कि यार ये तो बैठे बैठाए यहाँ तक पहुँच गए, इनको इनके लिए तो बहुत ईजी रहा है, इनके तो घर वाले माने हुए थे, तो ये सब ये जो सारी चीज़ें हमने देखी ना, जबकि इतना ज़्यादा आ रहा है कि यार नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा लोगों को कि असली चीज़ क्या है, या फिर असली स्ट्रगल क्या रहा है हमारी लाइफ में। और वो स्ट्रगल बताने का भी सिर्फ ये मोड, क्योंकि हमने आपको हमेशा बोला है कि हम लोग नेगेटिव चीज़ें नहीं बताते, और ये भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं थी, ये जस्ट एक आप लोगों को बताने का वे था कि क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं हमारी लाइफ में, और क्या क्या झेल के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि कल जो चीज़ें हुई, कल जो हमने बताई आपको शुरू में कि हम दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, तो मैंने, और उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था घर वाला, तो उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि हम जो आपको अब जो चीज़ें बताने जा रहे हैं ना, उन चीज़ों को बिना पूरा सुने हुए किसी को भी जज मत करना, ये चीज़ मैंने पहले ही बोल दी थी। फिर कल जब हमने हंसी मजाक की, उस टाइम भी मैंने बोला था कि ये सिर्फ हंसी मजाक चल रहा है, इसको आप सीरियसली मत लेना, जबकि इसने मुझे बोला था कि इस चीज़ को मत डालो, लोग गलत वे में लेंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं, वो समझ जाएंगे कि हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों ने वही किया, मतलब आप लोगों से मेरा मतलब है जो हमें ऑलरेडी हेट करते हैं, उनको एक मौका मिल गया वहाँ पे बोलने का, जो मैं नहीं चाहती थी, हम दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो चीज़ उनको मिले, इसलिए हम इस चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में और जैसा है वैसा ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको थूक पॉलिश करके बता रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं हम जो एक कल मेन मुद्दा उठा था इक्वलिटी को लेके। आज शुरू से लेके, जब से ये दुनिया शुरू हुई है तब से लेके, एक नॉर्मल इंसान क्या देखता है, एक लड़का और एक लड़की की शादी, ठीक है, यही देखता हुआ आया है। हम भी जब पैदा हुए थे हमने भी यही देखा, एक लड़का और एक लड़की की शादी। हमने अपने आप को जानने के लिए कितने साल लगा दिए, ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है, ये इस चीज़ से आप भी एग्री करोगे। ऐसे ही सेम घर वालों के साथ हुआ, उन्होंने भी इस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लगा उनको भी, कि भाई ये क्या चीज़ है, दो लड़कियाँ आपस में कैसे वो कर सकती हैं, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन बनी उस टाइम पे, उसमें ना मेरी मम्मी गलत, ना यशु की मम्मी गलत, ना मेरी मम्मी सही, ना यशु की मम्मी सही, या हमारे परिवार वाले ना गलत ना सही, अभी भी इंसान गलत नहीं होता है, सिचुएशन उसको वैसा बना देती है, ठीक है। तो वो टाइम भी वैसा था कि वो सिचुएशन एक ऐसी क्रिएट हो गई ना कि उस टाइम पे आप मतलब, और सबसे बड़ी बात ना, मैं डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो उस टाइम पे मेरे भाई की शादी होना एक उसकी डेस्टिनी थी, जो उसकी शादी हो गई, वरना वो घर में बहुत ज़्यादा छोटा है, हम नहीं चाहते थे कि उसकी शादी इतनी जल्दी हो, ठीक है, बट उसकी शादी हो गई और वो सारी चीज़ें क्रिएट हो गई, और वो ना एक ऑटोमेटिक एक वो मतलब एक यू नो एक सिचुएशन बन गई वैसी, जिसमें वो चीज़ें होती चली गई, समझ रहे हो। तो उस चीज़ को है ना समझने के लिए ना हमें टाइम नहीं मिला, ना उनको मिला टाइम, ना हमें मिला टाइम, तो उस वजह से वो जो चीज़ें थी वो गलत हो गई। इतनी सी बात थी, इतनी सी चीज़ आप लोगों को समझना था, जो आप लोगों ने नहीं समझा। आप लोगों से फिर से मेरा मतलब, कुछ हेटर्स ने नहीं समझा, और जो हेट करते हैं वो तो खैर हमेशा ही हेट करेंगे, बट मेरा बताना फ़र्ज़ था, क्योंकि जब आप एक हेट कमेंट पढ़ते हो ना, तो उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में वो चीज़ आती है, क्योंकि हम भी ऐसे हैं, हम भी जब किसी और के किसी को हम अगर फॉलो कर रहे हैं और उसके पे नीचे अगर हम हेट कमेंट एक देख लेते हैं, जो कभी कभी किसी सिचुएशन से मैच खा जाता है, तो हमें भी लगता है कि यार ऐसा ऐसा होगा तो नहीं, या फिर ऐसा हुआ तो नहीं था। तो वो चीज़ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। दूसरी चीज़ इक्वालिटी पे मैं बात करना चाहूँगी। देखो उनके हिसाब से आप लोगों ने बोला कि इक्वालिटी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्यों मिलनी चाहिए थी इक्वालिटी, और मैं बोलती हूँ इक्वालिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी। यार उनके हिसाब से वो ठीक थे, लेकिन हमारे हिसाब से तो हम ठीक थे ना। आज ये चीज़ बहुत कड़वी है, लेकिन ये चीज़ सच है कि हमारे माँ बाप शादी करके बैठे हैं, उनके बच्चे हो चुके हैं, हमने अपनी ज़िंदगी अभी शुरू की है,
हमारे भी कुछ सपने हैं, हमारे भी कुछ ड्रीम्स हैं। ये तो दो लड़कियों की बात है, लोग लव मैरिज करते हैं, अगर एक लड़का लड़की लव मैरिज करते हैं ना, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। और उस दिन कमेंट सेक्शन में ना हद से ज़्यादा कमेंट ना स्ट्रेट लोगों के थे कि आज मेरे को 15 साल हो गए शादी में और आज मैं ये चीज़ झेल रही हूँ आज भी। तो आप ये चीज़ समझो कि यहाँ पे बात ना सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी की है। आप जेंडर मत चेक करो कि लड़की लड़की है तो कैसे इक्वालिटी मिलेगी, या फिर लड़का लड़की है तो इसलिए नहीं मिली। तो ये चीज़ आप मत देखो यहाँ पे, आप ये चीज़ देखो कि बराबर का हक मिलना चाहिए। और ये चीज़ और हाँ एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल आज मैं पहले बाद में क्लियर करने वाली थी, बट मैं आज एक चीज़ पहले से ही क्लियर कर देती हूँ शुरू करने से पहले, कि आज के टाइम में हमारे बीच ना झगड़ा है उतना, ना उतना ज़्यादा मतलब वो है कि कि बहुत अच्छा है। मैं साफ बोल रही हूँ जो चीज़ें हैं हमारे बीच, मतलब हमारे से मतलब घर वाले और हमारे बीच, ना इसके घर वालों की तरफ से ना मेरे घर वालों की तरफ से कोई झगड़ा नहीं है, सब नॉर्मल है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है भाई, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, बहुत अच्छी लाइफ हमारी चल रही है। बट ये चीज़ आप करके ना उस चीज़ को ख़राब कर दोगे अगर ऐसा चलता रहा। और ये अगर ये चीज़ हमें दिखेगी कि ये चीज़ ख़राब हो रही है तो यहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें फिर बंद करनी पड़ेगी, फिर हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ आज मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली बोल रही हूँ, हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, फिर हम अपना अपना पार्ट बताएंगे। और इसने तो कल बोल ही दिया था कि मैं अब आगे से कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत वे में ले रहे हैं। ये चीज़ मत करो, आपके एक चीज़ बोलने की वजह से ना सामने वाला इंसान दोबारा से उन्हीं चीज़ों में चला जाता, कि उस टाइम पर भी मुझे नहीं समझा गया था और आज मैंने जब वो चीज़ें रखी तो आज भी मुझे नहीं समझा जा रहा, तो वो इंसान कहाँ आ जाए फिर। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो के लिए भी मैं बता दूं कि जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि 100% ही आपको बताया गया है, 100% बताने पे आ गया तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और मुझे यहाँ पे और वैसे नहीं करना जैसे और जगहों में होता है, कुछ व्लॉगर्स की ज़िंदगी में चल रहा था जो अपने ससुराल के मुद्दे यहाँ पे उठे, उनके बहुत कुछ हुआ, तो मेरे को वो चीज़ें यहाँ उठानी नहीं, क्योंकि वो पीरियड हमारी लाइफ का निकल चुका है। मतलब मुझे यार मैं यार चीज़ बताओ, गलती किससे नहीं होती यार, इंसान ही तो है हम, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है भाई, कुछ उनकी गलती रही तो कुछ हमारी गलती रही, तो दोनों इंसान ही है ना, गलती किससे नहीं होती। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ऐसे प्लीज़ बहुत ज़्यादा भाई हवा मत बनाओ इस चीज़ का, नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं, नॉर्मली उस चीज़ को सुनो और नॉर्मली उस चीज़ को भाई छोड़ दो। जो चीज़ समझने वाली हमेशा है ना, इंसान नेगेटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब मैं उसको कल मैं उसको यही चीज़ समझा रही थी कि भाई तू उन 10 कमेंट को देख के क्यों वो इफ़ेक्ट कर रही है अपने आप को उस 10 कमेंट से, कि जो जिन्होंने उस चीज़ को उठाया है, तो उन 100 कमेंट को पढ़ना जिन्होंने अच्छा बोला है। तो इंसान का ना ये माइंडसेट है, और ये सिर्फ हमारा नहीं, ये हर किसी का है। आप 100 काम अच्छे करोगे ना आपको कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप वहाँ पे एक काम गलत कर दोगे ना तो भाई ये तो काम इसने बहुत गलत कर दिया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ को भाई जाने दो। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड ऑन कर दूँ, वैसे मैं बोलना नहीं चाहती थी आज, तो मैं बिल्कुल मैं मूड में नहीं थी कि मैं बोलूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ कि मैं पायल की फैमिली के साथ आके रह रही थी, ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से वहाँ पे, किसी ने ये कमेंट किया था कि तुम अपनी मर्जी से वहाँ आई हो, तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं था। तो मैं जो भी ये कमेंट कर रहा है जिसको भी दिमाग में है, मैं चाहती हूँ कि आप पिछले स्टोरी जाके देखो, फिर आप पूरा कनेक्ट करके फिर आके बोलो। देखो उसके अलावा, मैं इसका जवाब मैं देती हूँ, वो अपनी मर्जी से आई थी, ठीक है, हम दोनों को साथ रहना था इसलिए हमने फैसला किया कि हम साथ में रहेंगे। मेरा शुरू से था कि हम अलग रहेंगे, इसका था नहीं मैं फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फैमिली को जोड़ के रख सकती हूँ, या मेरे में इतनी चीज़ें हैं कि मैं अच्छे से रख सकती हूँ। बात वो थी नहीं कि साथ में अपनी मर्जी से आई या उन्होंने फोर्स किया, ये बात थी नहीं। बात यहाँ पर ये थी कि एक कमिटमेंट करके उसको पूरा ना करना, बात सिर्फ इतनी सी थी। वो सीधे सीधे मुकर जाती इस बात के लिए कि नहीं मुझे भाई साथ में रह लो, शादी नहीं हो सकती, और ना तुम घर में रहोगे, तुम्हें जहाँ रहना है तुम अपनी मर्जी से रहो। और मैं आज आपको एक चीज़ भी बता दूँ, मुझे ऐसा लगता है, मतलब इस चीज़ पे शायद मुझे गालियाँ पड़े, मुझे ऐसा लगता है कि वो साथ रहने की बात भी ना सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आई थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और उनको मतलब ये था कि ये, क्योंकि उन्होंने पहले की बहुत सारी चीज़ें देखी है मेरी, कि भाई इसको ये कुछ ना करे, या फिर इसको ऐसा ना हो कि मतलब समझ रहे हो कि ये इसको दिक्कत ना हो, तो उन्होंने शायद इस वजह से हामी भर दी कि हाँ ठीक है साथ। उसमें मेरी गलती तो नहीं थी ना, लेकिन अगर उन्होंने अपने बेटी की खुशी देख के किसी और की बेटी को एक झूठा कमिटमेंट किया, तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। आज अगर मेरी माँ मेरी खुशी देख के पायल को ये सोचे कि ठीक है यार ये इसके लिए रहना चाहती है तो ठीक है कुछ दिन रहे और फिर मैं अपनी बात से मुकर जाऊँगी, पायल तो मेरे लिए माइंडसेट कर चुकी है ना कि मैं इसको अपने लाइफ पार्टनर बना के रहूँगी, मेरे को इसे शादी करनी है,
तो वो तो एक इमेज सेट हो जाती है ना कि यार एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया है मुझे उसके लिए। अगर वहाँ पे सीधे सीधे चीज़ों में ये आ जाता कि नहीं तुम्हें नहीं रहना है साथ में, नहीं मैं इसके लिए अलाउ नहीं कर सकती, या फिर तुम कल के टाइम पे मेरे से कोई होप मत रखना, बेसिकली यहाँ पे होप की वजह से सब चीज़ें बिगड़ी हैं। गलती किसकी थी किसकी नहीं थी मुझे ये नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे क्लियर कट बात सुनना पसंद है, चाहे उसमें मेरी खुद की माँ हो या मेरे खुद के पापा होते आज, तो भी मैं यही बात बोलती कि मुझे क्लियर कट बात सुनना पसंद है। मुझे ये पसंद नहीं है कि आज आपने मुझे ये बात बहलाने फुसलाने के लिए बोल दी, क्योंकि मैं वो 12 साल या 14 साल की लड़की नहीं थी, अच्छी खासी मेच्योर लड़की थी 25 साल की, तो उसमें कोई वो नहीं था कि जिसको आप एक झूठा कमिटमेंट दे दो, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे घर वाले मेरी शादी करने के लिए रेडी बैठे थे, तो मेरे लिए वो एक लास्ट डू एंड डाई सिचुएशन थी, तो वो एक कमिटमेंट मेरे लिए सब कुछ था। अब यहाँ पे जिसको जो समझना है वो समझ सकता है, मैं उस एक कमिटमेंट की वजह से वहाँ से आई। अगर एक बार भी इनके घर वाले या ये बोलते कि नहीं भाई घर में अलाउड ही नहीं है, परमिशन नहीं है, तो मुझे इतना पता है कि कोई किसी के घर में ज़बरदस्ती नहीं घुसता। अगर वो अलाउ नहीं करते तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ नहीं आती, चाहे मैं फिर अपने घर जाती, चाहे वो रिश्ता ब्रेक होता, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते, चाहे ये वहाँ से छोड़ के मेरे पास आते, ठीक है। तो वो मैंने अपनी मर्जी से भी नहीं किया, मैंने अपनी इच्छा जताई कि मुझे साथ रहना है, उसने अपनी जताई कि मुझे साथ रहना है। अब उन्होंने प्यार अपनी बेटी के प्यार के लिए ये तो देख लिया कि ठीक है अभी ये कह रही है ठीक है अभी ये कर लेते हैं, फिर बात का क्या? मैंने तो वो बात की होप के लिए सारा सब कुछ दांव पे लगा दिया ना। अब जो चीज़ों को लोगों को ऐसा लग रहा है घर छोड़ के, भाई तुम घर छोड़ के देखो जहाँ तुमने अपनी ज़िंदगी के 25 साल बिताए हैं, जहाँ तुम पैदा हुए हो उस शहर में तुम वापस जा नहीं पा रहे हो, गए नहीं हो तुम, तुमको क्या अपने घर वालों की याद नहीं आती? मेरे को अपने घर वालों की याद नहीं आती जहाँ मैंने 25 साल बिताए हैं? मैं तो कभी बाहर पढ़ाई के लिए नहीं गई, मैं कभी ट्यूशन के लिए नहीं गई, मतलब मैं कभी गई नहीं हूँ, मैं सिर्फ जॉब के लिए अपने घर से बाहर निकली, वो भी हर सैटरडे संडे, जिसमें कि मुझे रुद्रपुर से हरिद्वार ट्रैवल करना पड़ता था रात को रोडवेज बस में, तब मैं अपने घर 24 घंटे बिताने के लिए जाती थी कि ठीक है, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था, इतनी सी बात थी। अब जिनको ये बात इतनी आसान लग रही है भाई, फिर वो पत्थर के बने होंगे या तो वो रोबोट होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं लगती होंगी। ठीक है, लव मैरिज में बैठी हूँ, अपनी पसंद से चीज़ें की हैं, सब कुछ किया है, लेकिन फैमिली को साथ लेके चलना चाहते थे, इसलिए इतना स्ट्रगल किया था, इसलिए घर वालों के सामने हाथ जोड़े पैर पकड़े कि हमारी शादी करनी है और हम चाहते हैं कि आप उस चीज़ के लिए हामी भरो, आप उस वो चीज़ खुद करा के दो। वो शादी भले ही चार लोगों के बीच में हो, ये भी बात हुई थी हमारी कि चाहे आप हमारी घर घर में शादी कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं चाहिए कि आप बहुत ग्रैंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर वालों के बीच में करो, लेकिन करो तो सही। तो जितने भी लोग इस चीज़ पे अपनी नज़रिया रखना चाहते हैं ना, जिन जो हार्टलेस उनको लगता है कि ये यार थोड़ी होता है इक्वालिटी, थोड़ी क्यों नहीं होती भाई इक्वालिटी, जब आप अपना घर छोड़ के अपने एक लड़की जिसके साथ आप आए हो उसके माँ बाप को आप अपने माँ बाप का दर्जा दे रहे हो, जब आप उसके घर को अपने घर से बड़ा दर्जा दे रहे हो, जब आप अपने सारे फेस्टिवल्स उनके साथ मना रहे हो, अपनी सारी चीज़ें अपना खाना पीना अपना पहनना ओढ़ना हर चीज़ उनके हिसाब से कर रहे हो, फिर आप कैसे होप नहीं रखोगे? क्यों नहीं आप होप रखोगे? जब आप अपने पापा की जगह इसके पापा को दूंगी मैं, तो मैं क्यों नहीं होप रखूंगी उनसे कि वो मेरे साथ वैसा व्यवहार करें? क्यों नहीं रखूंगी? और एक साल तक जब वो मेरे साथ नॉर्मल है और अगले साल मेरे साथ बदल रहे हैं, तो वो बदलाव मुझे क्यों नहीं दिखेगा? मैं कोई वो थोड़ी हूँ, मेरे कोई इमोशनलेस थोड़ी ना हूँ कि मेरे कोई इमोशंस नहीं है, मेरे को पता नहीं चलेगा कि एक साल पहले सबके लिए मैं खास थी और अब एक साल के बाद वो मुझे ये कहते हैं कि अच्छा तुम भी हो यहाँ पे। जिसके साथ बीतती है ना, जजमेंटल आप तब हो ना जब आप उस सिचुएशन में खुद को खड़ा करो और जब वो चीज़ें इमेजिन करो कि जब वो सिचुएशन आपके साथ बीतती है तब आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या है, क्या हुआ। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहती, ना हम ये गड़े मुर्दे उखाड़ने आए हैं, और वो मैं फिर से बोल दूँ परिवार हमारा ही रहेगा। ठीक है, आज हमारे टर्म्स उतने अच्छे नहीं हैं, कल के टाइम पे मे बी हो जाए मे बी ना हो, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोल सकती इस बारे में, लेकिन मैं आपको एक चीज़ आज ज़रूर बोल सकती हूँ जो मैंने आज तक नहीं बोली और मैं आज ज़रूर बोलूँगी कि मेरे लिए मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, बहुत, क्योंकि मैं 10-10 बार झुकी हूँ हर चीज़ के लिए, हर रिश्ते के लिए, हर बार मेरे को बहुत बहुत झुकाया गया। मेरे को बड़े होने के नाते जो बड़ा जिसको बड़ा बना के रखते हो ना परिवार में, वो सिर्फ समझने का काम करता है, तुम बड़े हो तुमको समझना है, तुम बड़े हो तुमको समझना है, तुम बड़े हो तुमको गलतियाँ माफ़ करनी है, तुम बड़े हो तुमको इग्नोर करना है, वो सामने वाला तुम्हें कुछ भी बोले तुमको माफ़ करना है क्योंकि तुम बड़े हो, तुम हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे क्योंकि तुम बड़े हो, हर चीज़ में तुम बड़े हो तो तुम ही समझोगे। तो जब ये चीज़ें पढ़ती हैं तो भाई जिसके पढ़ती हैं उसको पता होता है। ठीक है, तो कल के टाइम पे जो भी चीज़ें होंगी फैमिली के साथ, और मैं एक चीज़ और बता दूँ, आज फाइनली, वैसे तो कभी आप लोग क्वेश्चन करते नहीं हो घर फैमिली के बारे में, क्योंकि मुझे पता है जो प्यार करते हैं उनको सब पता है और वो नहीं घुसते, वो नहीं दुखती रख पे हाथ रखते। ये बात मैं पायल को पहले दिन से कहती हूँ, जब से मिली थी और जब से मुझे लगा था मुझे इसके साथ ही रहना है, कि जहाँ पे ये होगी
आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जहाँ पे ये मेरे साथ है, चाहे वो ये घर है, चाहे वो जोबरजी घर हो, चाहे वो झोपड़पट्टी हो, चाहे वो रोड साइड ही क्यों ना हो, जहाँ पे ये मेरे साथ है वहाँ मेरा घर है। और जहाँ पे ये नहीं है मेरे को, वो महल चाहिए ही नहीं। लुधियाना में मेरे साथ नहीं थी क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बिगड़ चुकी थी, तो मुझे वो घर नहीं चाहिए था। मेरी फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम आई थी, मेरी मम्मी ने बाद में कहा भी कि तुम दोनों यहीं आके रहो, लेकिन क्योंकि हमारे पे कोई उंगली ना उठे और हमारी वजह से उन पे उंगलियां ना उठे, हमने वहाँ पे रहना सही नहीं समझा और इसीलिए हम आज यहाँ पर है। तो जितने भी लोग जजमेंटल होना चाहते हैं, प्लीज़ किसी के इमोशंस को हर्ट करके और आप मेरे सास ससुर को गलत बता के या मुझे गलत बता के, ये मैं उनके यहाँ गलत बताने नहीं आई हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताने आई हूँ बींग अ गर्ल कि ये चीज़ें हुई, हो गई। हो सकता है वो प्रेशराइज हो कि भाई मैं एक बहू को लेकर आई हूँ, कहीं उसको ये ना फील हो जाए कि मैं इसको दर्जा दे रही हूँ उसको नहीं दे रही। बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा जो मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैंने हर्ट फील किया, तो मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ। कभी 10 साल 20 साल बाद उनका मन हुआ कैमरे पे आके, तो वो शायद अपनी फीलिंग्स बताएं कि यशु मैं तेरे बारे में ये नहीं सोचती थी, और जब मुझे पता ही नहीं है कि उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सप्रेस नहीं किया कभी, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। इसलिए मैं अपने पति को हमेशा पूछती थी कि तुम बताओ, तुम खुश हो ना, तुम ये चाहते हो ना, तुम बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी चीज़ें इनके ऊपर हावी करके किसी चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस दिलवाऊँ, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती का कुछ भी नहीं चाहिए, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना घर, ना ज़मीन जायदाद, ना फैमिली। ज़बरदस्ती की मुझे फैमिली भी नहीं चाहिए। अगर उनको लगे ना, मेरी फैमिली को ये लग रहा है कि ज़बरदस्ती के साथ रहना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं यही हूँ। अब आप इसमें मुझे सही जज करो, आप मुझे इसमें गलत जज करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं यही हूँ। मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। मैं 10 बार माफ़ी मांगूंगी, 11वीं बार मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, चाहे फिर उसमें मेरे सामने छोटा खड़ा हो चाहे फिर बड़ा खड़ा हो, क्योंकि मैंने लिटरली भीख मांगी है अपने रिश्ते के लिए, अपनी शादी के लिए, कि प्लीज़ घर के बीच में ही सही लेकिन हमारी शादी करा दो, क्योंकि हमें करनी है। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ आई थी और आपने मुझे बुलाया था, इसलिए नहीं आई थी कि मेरे मुंह पे ये बोला जाए कि नहीं शादी नहीं हो सकती, ठीक है। तो प्लीज़ जजमेंटल होना लेकिन बाद में सुन लो पहले। इस स्टोरी के चक्कर में हम कितना डिस्टर्ब फील कर रहे हैं वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हेलो, कीप कंटिन्यू। कहाँ से बस कहाँ से बैठी है मेरे तो दिमाग में सच में, मैं तो कह रही हूँ खत्म नहीं करते हैं पहले आज यही चीज़ें खत्म करते। तो आप मम्मी को बताओ, मम्मी वाले आप मम्मी से मिले थे वो वाली बात बता दो, फिर उसके बाद शॉर्ट में खत्म कर लेते हैं। तो आज भाई हम इसको शॉर्ट में खत्म करने वाले हैं क्योंकि ये डेली का ना एक तरह से टॉर्चर हो गया है हमें भी। पहले तो मैं भाई वो मम्मी वाली बात बता देती हूँ कि जब अगले दिन वो खाना वाना नहीं खा रही थी तो भाई मैं उनके पास गई। यहाँ पे ना अब ये चीज़ देख लेना, आप लोग पूछ लेना अपने घर वालों को कैसे मनाया। जिनको मानना होता है वो मान जाते हैं और जिनको नहीं मानना होता वो आप उनको 1000 चीज़ें बोल दो वो नहीं मानते, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो हम लोग गए ऊपर, मैं यशु दोनों और बुआ भी थी शायद अंदर कमरे में। जो लोग कल इस बात को बता रहे थे ना कि मैं पायल की मम्मी को गलत दिखा रही हूँ, अपनी मम्मी को सही दिखा रही हूँ, तो अभी मेरी मम्मी के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे मैंने कोई भी बात नहीं की थी अपनी माँ से, यही बात कर रहे थे। तो अब आप देख लेना कितना सही कितना गलत, ठीक है। तो फिर मैं ऊपर गई, मैंने बैठा, मैंने कहा खाना खा लो, तो बोलती है नहीं। तो बहुत देर तक मैं बोलती हूँ, मैंने कहा खाना खा लो नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या चाहते हो आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता ही नहीं है और मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने कहा क्या मुंह दिखाऊंगी, मतलब किस चीज़ के लिए मुंह दिखाना है, मैंने ऐसे बोला ना, मैंने किस चीज़ के लिए मुंह दिखाना है। तो कहती है कि ये अब ये तुम दोनों साथ में रहोगे, लड़की लड़की रहोगे, मैं किसको क्या बोलूँ, क्योंकि तब तक हमारा ये व्लॉग वगैरह में आना उतना ज़्यादा चालू नहीं हुआ था, व्लॉग नहीं हुए थे हमारे, दो तीन व्लॉग चालू ही नहीं हुए थे उस टाइम था। तो मैंने कहा कि किसको मुंह दिखाना है आपको, जो आप ऐसे बोल रहे हो कि भाई मैं किसको मुंह दिखाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम दोनों साथ रहोगे, कल को पता चलेगा। मैंने कहा कैसे पता चलेगा, मैंने उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस किया कि कैसे पता चलेगा कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं। तो बोलेंगे कि लोग पूछेंगे नहीं क्या, कभी शादी नहीं करते तुम अपनी लड़की की। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप बोलना कि भाई वो पढ़, मतलब आगे पहले वो जॉब करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, फिर वो शादी करेगी। मैंने कहा ऐसे करते करते 4-5 साल निकल जाएंगे आराम से, तो उस तब तक मैंने कहा सब धीरे धीरे करके चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा थोड़ी होता है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ये है वो है करके। फिर उसके बाद मैंने इस यहाँ पे एक चीज़ ये बोली थी कि मैंने कहा आप चाहते हो ना कि हम लोग, मतलब आप ये चाहते हो कि हम लोग साथ में ना रहें, हम लोग अलग अलग रहें, किसी को पता ना चले। मैंने कहा नहीं पता चलेगा, हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, हम लोग अलग अलग रहेंगे लेकिन हमारे बीच प्यार रहेगा ऐसा। फिर दूसरी चीज़ मैंने उनको ये बोली, मैंने कहा आप चाहते हो हम लोग शादी ना करें, अगर साथ में हम लोग रहते भी हैं तो हम लोग शादी ना करें। तो मैंने कहा हम लोग शादी नहीं करेंगे, उसके बारे में भी किसी को पता नहीं चलेगा, हम लोग शादी ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। उस पर भी वो नहीं मानी।
मैंने कहा देखो अब मैंने फिर लास्ट अपना पैतरा आजमाया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो आज की जो दुनिया है ना वो बहुत बड़ी है और साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अगर आप चाहते हो ना कि लड़के से ही शादी करनी है तो मैं लड़का बन जाती हूँ। मैंने उनको ये चीज़ बोली क्योंकि उनको ये चीज़ पहले समझा चुके थे रात को ही घर वाले कि साइंस बहुत तरक्की कर चुका है आप तो। ताई जी ने बोली थी इनकी ताई, मेरी ताई जी ने अगर बोली अगर आप चाहते हो लड़की से शादी करने में दिक्कत है तो हम लड़का बना देते हैं अपनी लड़की को। हाँ ऐसी बात हुई ये मैंने अपने दिल से नहीं बोली थी, मैं सही बता रही हूँ, मैं सिर्फ उनको कन्विंस करना था किसी ना किसी तरीके से कि भाई वो किसी ना किसी तरीके से मान जाए, और मैं उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकती थी, मैं उनको पर एकदम से चढ़ भी नहीं सकती कि नहीं भाई तू अभी मान के ही जाओ, ऐसा भी नहीं कर सकती। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप चाहते हो लड़का मैं बन जाऊँ, मैं मतलब उसका उसका एक प्रोसेस होता है पूरा, मैंने कहा मैं लड़का बन जाती हूँ उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो मैं नॉर्मल शादी कर ही सकती। तो उन पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने शांति से रही, मैंने कहा आप टेंशन मत लो और इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ठीक है नॉर्मल है तो आप इतना ज़्यादा मत सोचो। तो उन्होंने ये बोला कि बेटा ठीक है साथ में रहने वाली, ये बात आई थी ना कि आगे के टाइम कौन सहारा बनेगा, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे कौन देखेगा बुढ़ापे में तुमको, मेरे को याद नहीं है ये वाली बात, ये बात हुई थी ना, मतलब ये वाली बात हुई होगी तो मैंने यही बोला होगा कि भाई मैं हूँ साथ में तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हम दोनों को साथ रहना है। वैसे भी तुम जवान हो भी तो देख लोगे, कल के टाइम तो बूढ़े हो गए तो अडॉप्ट कर लेंगे बच्चा, ये बोला होगा मैंने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ये वाली क्या बात हुई थी, बट इतना मुझे चीज़ें याद है जो जो मैंने आपको बताई हैं कि ये बात हुई थी। उसके बाद वो शांत हो गई थी, उसके बाद उन्होंने मस्त खाना खाया, मैं उनको वहाँ पे छोड़ के आई वापस बस स्टैंड पे, और वो नहीं भूल गए आप मेन बात, मेन बात तो आप भूल ही गए हो सीट्स, तो बाद में फोन उसके बाद उन्होंने फिर उनको मैंने नीचे घूम रही थी नीचे, उनको हमने कॉलोनी घुमाई अपनी कि ऐसा तो भाई वो उनको उनको पेड़ पौधा को बहुत ज्यादा शौक है, तो उन्होंने जैसे ही पेड़ पौधे देखे वो हो गई पागल, ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है, इसको मुझे बीज भेज दियो, इसको मुझे बीज भेज देना, मैंने कहा ठीक है मैं भेज दूंगी भाई। बिल्कुल नॉर्मल हो गई पूरी कॉलोनी, हमने घुमाई उनको, फिर उसके बाद हमने उनको भी बस में बैठा दिया और भेज दिया, फिर मैंने उनको ऑनलाइन वो बहुत सारे पेड़ों के सीड्स भेजे, सीड्स भेजे बहुत सारे, फ्रूट्स वाले भेजे थे, सब्जियों वाले, फिर उन्होंने कॉल किया इनसे बात करने के लिए और बोलती है पायल इसमें तो बहुत सारे वो आए हैं, बहुत सारे बीज है, मैं तो सुंदर सुंदर फूल उगाऊंगी, इतनी नॉर्मल थी ना वो, इतनी नॉर्मल, मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि भाई ये मतलब अभी एक रात पहले इनसे बात हो रही थी और ये तो बता कि तू शॉक्ड भी थी कि ऐसा क्या। हाँ मैं हैरान थी, मैंने कहा क्योंकि मेरे को उन्होंने कुछ टाइम नीचे भी थी, तो मैंने कहा आपने ऐसी क्या घुट्टी पिलाई मेरी माँ को कि वो तो बिल्कुल ही ऐसे हो गई, बिल्कुल पायल से बात, उन्होंने पायल से बात करा दे, मैंने कहा यार क्या ही हो गया। उसके बाद बिल्कुल सिनेरियो मेरी घर वालों की तरफ से बिल्कुल चेंज था, टोटली चेंज, एक पर्सन जिसको बोलते हैं ना कुछ, उन्होंने कोई बात ही नहीं उठाई इसके बारे में, यहाँ तक कि ये भी नहीं बोला कि दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, उन्होंने इसके बारे में कोई भी बात नहीं उठाई और नॉर्मल चल रहा था, और वो हमेशा फ़ोन पे बात भी करती थी पायल से कैसे क्या कर रही है और क्या कर रही है तू, और लिटरली इन्होंने ये बोल दिया मेरे को, हम दोनों जब साथ में बैठे थे कि मेरे बारे में बोला कि टीनू तू तो बहुत तेज है, लड़की बेचारी बहुत सीधी है, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया कि तू तो तेज है नेचर में बट ये सीधी है, ऐसा करके बोल दिया। तो मेरे को खुशी थी यार, मेरे को क्यों बुरा लगेगा, मेरे बंदे के बारे में अच्छा बोल रही है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, हर लड़की यही चाहती है कि आपके पार्टनर के बारे में अच्छा बोला जाए, तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश थी। तो ये बिल्कुल यहाँ से एकदम ही नॉर्मल हो गया था बिल्कुल, और मैं वहाँ की तरफ से टेंशन में थी ही नहीं कि भाई ये अब कुछ बोलेंगे, कुछ एस्केलेट करें, कुछ ऐसा था ही नहीं। यहाँ से यही सारी चीज़ें चल रही थी, और फिर हमने ये चीज़ घर पे भी इन्होंने बताया कि भाई देखो वहाँ उसकी फैमिली की तरफ है सब कुछ नॉर्मल है, तो शादी वाला मुद्दा उठा हमारा बाद में। ठीक है, तो भाई फिर मेरी ये बात थी जून की, जून की, जून जून भाई, तो मैं आपको देखो शॉर्ट में बता रही हूँ भाई बहुत सारी चीज़ें अब, ठीक है, अब ये सारी चीज़ें फिर हुई, फिर नॉर्मल हो गया, फिर हमने घर पे बात उठाई कि भाई ऐसे ऐसे देखो अब वहाँ पे भी नॉर्मल है, इधर भी नॉर्मल है, बताओ अब क्या करना है शादी का, कि अब करा दो भाई हमारी शादी, अब तो नॉर्मल है सारी चीज़ें। तो भाई वहाँ पे मतलब उनका आया भाई ऐसे कि नहीं, मतलब नहीं हो सकती ऐसा करके, उन्होंने बोला कि अगर हो सकती है, मतलब कैसे होगी तुम्हारी शादी, लीगल है कि नहीं है ऐसे करके, अगर हो सकती है तो ठीक है कोर्ट मैरिज कर लो तुम लोग। तो भाई हम फिर से शॉक्ड कि भाई ये क्या था कि भाई कोर्ट मैरिज कर लो, मतलब ये क्या चीज़ है, हर किसी के भाई अपने सपने होते हैं कि मैं ऐसे शादी करूँ, मैं ऐसे शादी करूँ, मैं ऐसे तैयार हूँ, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं हुई। फिर उसके बाद ये चीज़ हो गई, फिर ऐसे ऐसे करके चीज़ें थोड़ी ख़राब होती चली गई, और फिर एक चीज़ ऐसी हुई हमारे घर में कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, और उसको मैं यहाँ पर ना एक्चुअली बताना नहीं चाहती, अगर मैंने वो चीज़ यहाँ पर बता दी ना, और वो मेरे मेरे घर वालों की तरफ से नहीं, मैं यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ पहले, कहीं तुम मेरी माँ को गाली देने लग जाओ भाई,
मेरी मम्मी की तरफ से नहीं, पापा की तरफ से नहीं, बहन की तरफ से नहीं, बहन तो थी ही नहीं भाई की तरफ, मम्मी वहाँ पे थी ही नहीं, किसी की तरफ से नहीं, वो किसी और की तरफ से हुई थी। वो चीज़ मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती, जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत बड़ा कलेश हो गया था भाई। और वो रीज़न था हमारा मुंबई सॉरी लुधियाना छोड़ने का, और वो छोड़ के हम लोग फिर ये एक फाइनल डिसीजन था कि अभी नहीं रह सकते यहाँ पे। इनका सीधा ही आया क्योंकि मेरे साथ ही खड़े थे जब वो सारी चीज़ें हुई, हम तीनों ही खड़े थे। फिर हमारे पास दो डॉग्स थे, आप लोगों ने देखा ही था। फिर उसके बाद तो व्लॉग हमने वो अपने भूआ के घर पे छोड़े थे और दो डॉग्स, और मतलब बहुत ख़राब था यार वो सीन, बहुत ही ज़्यादा ख़राब, याद भी नहीं करना चाहते वो टाइम, सच में बहुत ज़्यादा ख़राब था। हम लोग मतलब लास्ट के डेज पे तो ऐसा हो गया था, हम लोग स्विगी से छोड़ो तो वो लास्ट के दिन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, मतलब खुद ही पैकिंग कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं था मूवर्स एंड पैकर्स आके पैक करते हैं, हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी। हम खुद डब्बे कार्टन ला ला के पैक कर रहे हैं, ऊपर का अपना सारा सामान, बेड, एसी, फ्रिज, हर चीज़ लेके आए थे हम लोग। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा दुख देती है, और पैसा इतना बर्बाद किया है ना हमने, मुंबई से लुधियाना से मुंबई, मुंबई से लुधियाना वापस, फिर वो दोबारा मुंबई आने के चक्कर में इतना पैसा बर्बाद किया ना। आज हम होते ना तो आज हमारे पास एक घर होता, थिंग्स भी तो उतनी हर्ट हुई है ना। पैसा उस टाइम पे दिख नहीं रहा था ना, उस टाइम से ही दिख रहा था कि हम कितना हर्ट हो रहे हैं, सिचुएशन हमको कितना हर्ट कर रही है। चलो ये भाई हम इसको हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया, और आगे की चीज़ें भी हम लोग बहुत ही इसको बहुत ही कम वक्त में आपको बता देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि डेली डेली का टॉर्चर हम लोग ले। हमारी ज़िंदगी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, और हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं इस वजह से। तो मैं नहीं चाहती कि भाई हमारा काम डिस्टर्ब हो, अभी बहुत मुश्किल से हमारा काम जो है वो ट्रैक पे चला है, तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा वो चीज़ें ख़राब हो, क्योंकि हम ये चीज़ें झेल के आ चुके हैं। तो इसलिए तो इस चीज़ को यहीं पे तो नहीं, एक लास्ट एपिसोड आएगा बस, वहाँ पे हम उस चीज़ को पूरा ख़त्म कर देंगे। वो हो सकता है एक घंटे का बन जाए शायद, तो वो देखते हैं। बाकी ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि आज मैंने टाइमर नहीं लगाया कितने मिनट का बना है। तो चलो आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हाँ, किसी के लिए भी कोई बात, किसी के लिए भी कुछ भी मत करो यार, तुम्हें नहीं पता आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है। तो वो जब कहानी खत्म होगी तब आपको बताएंगे हम लोग। चलो बाय।